Cardiovascular diseases is one of the major leading cause of deaths worldwide. The younger generation may not think that they are at a high risk of cardiovascular diseases, but they are. According to the data by WHO, 17.9 million people died of cardiovascular diseases in 2019. Do we know enough about it? Today we have Dr. Sudhir Singh with us, who is going to share his opinions, his views on the same on the Good Health Show by Healthians. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. सो एज वी स्टार्ट, हमने देखा है कि बहुत सारे यंगर जनरेशन, यानी कि बेसिकली पहले हमारे पास जो हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक्स के बहुत सारे रेट्स आते थे वो बहुत ज़्यादा यू नो ओल्डर पीपल में आते थे, विच इज लाइक 70-60 विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स. बट आजकल जैसे हम देख रहे हैं पास्ट लाइक एक दो साल से यंगर जनरेशन का हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और ये ऐसा होता है कि ये सडन होता है विद नो हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स ऑल्सो. जैसे कि समबडी इज ड्राइविंग, दे कोलैप्स. दे आर इन द जिम, दे कोलैप्स सडनली. डूइंग नथिंग, जस्ट टॉकिंग, दे कोलैप्स विदाउट एनी साइंस, अर्ली साइंस ऑल्सो, जस्ट सडन कोलैप्स. आई थिंक विद इन 1 and 2 minutes दे डोंट इवन रियलाइज, बट एट द एंड व्हेन यू नो व्हेन देयर आर यू नो डॉक्टर्स सेइंग दैट इट्स अ हार्ट अटैक, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? सडन डेथ बहुत कॉमन हो रही है अभी यंग लोगों में, ऐसा नहीं है, पहले भी थी, लेकिन अभी मीडिया कवरेज एक तो बहुत ज़्यादा होती है उस कारण, क्योंकि आप मल्टीपल चैनल्स पे सेम न्यूज़ सुनते हो तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रही है. डेफिनेटली जब हम अपने बचपन में कभी हम यंग डेथ्स को इतना ज़्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन अब सुन रहे हैं कि हमसे छोटी उम्र के लोग भी और हमारी उम्र के लोग भी बहुत सारे सडन डेथ हो रही है. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि पिछले 2 decade में हमारा जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि एक तो उनको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर कल्चर आ गया है. पहले हम लोगों का एक रूटीन होता था कि रात होने से पहले आपको घर पहुँच जाना है, पहले लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो सब लोग घर आ जाते थे. फिर आया कि लड़कियों के लिए तो वही रूल रह गया, लेकिन लड़के तो अपना घूम रहे हैं. अब वो रूल किसी के लिए भी नहीं रह गया. अब कॉल सेंटर कल्चर है, लोग रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, और कोई उनका खाने पीने का टाइम नहीं है. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ ब्रेकफास्ट आप टाइम पे करते हो, तो वो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट तो मैं रात को 2 बजे करता हूँ, क्योंकि उसी टाइम मेरा काम ख़त्म होता है तो मैं खाना खाता हूँ और उसके बाद मैं सो जाता हूँ और फिर मैं 11 बजे उठता हूँ. तो दिस टाइप ऑफ लाइफ कल्चर विच वी हैव इवॉल्व्ड ओवर लास्ट 2 decades इट हैज़ चेंज्ड ए लॉट. एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, साइकिलिंग ख़त्म हो गई है, लोग चलते बहुत कम हैं, मेट्रो में जाते हैं तो एस्केलेटर यूज़ करते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो लिफ्ट यूज़ करते हैं, चलते ही नहीं है. कन्वीनियंस आ गई है मिडिल क्लास के लिए, ई रिक्शा पूरी सिटी में अवेलेबल है, कहीं भी जाना है, तो ये सब चीज़ों से फ़र्क पड़ा. और दूसरा था कि पहले हम लोग रेस्टोरेंट में कभी कभी जाते थे फैमिली के साथ, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार किसी रिलेटिव को बुलाया तो गए या किसी रिलेटिव ने बुलाया तो गए. अब तो ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू अब तो रेस्टोरेंट डेली घर पर आ गए, डेली कोई ना कोई फास्ट फूड वाला पार्ट घर पर आ रहा है, तो इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ा कि हमारे सारे पैरामीटर्स ही बिगड़ गए. तो ये सब चीज़ें मिलके हार्ट अटैक बढ़ा रही हैं. लेकिन सडन, हर सडन डेथ अपने आप में हार्ट अटैक नहीं है. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी सडन डेथ हो रही है जो यंग लोगों में वो हार्ट अटैक ही है, क्योंकि सडन डेथ होने के बहुत सारे रीजंस हैं. सडन डेथ कई बार बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से, एओर्टिक डाइसेक्शन से भी हो सकती है, जो एक सीवियर मेडिकल एमरजेंसी होती है. और अपने आप में सडन डेथ जो है एक्सरसाइज के दौरान एक डिजीज़ है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसमें भी हो सकती है. ARDD एक डिजीज़ है, उसमें भी हो सकती है. और ये डिजीज़ कोई भी किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट या हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है. लेकिन क्या है कि नॉर्मली कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये दोनों एज ए सिनोनिम्स यूज हो जाते हैं, बट दे आर नॉट सिनोनिम्स. सो जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि हमने बोला कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है सजेस्ट होता है, बट जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं सेलिब्रिटीज़ के, जैसे हम के लगा सकते हैं, वी हैव सिद्धार्थ शुक्ला, लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू द हेल्थ इंडस्ट्री और
you know, industry where they need to stay healthy and still end up having heart attacks. And I think they don't have a history of it, but suddenly they have it. Does it because of the stress level you are talking about, or there are other reasons also for it? Stress level hai, khana peena unka proper ideal nahi hai. जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी खाना है, फास्ट फूड इजीली अवेलेबल है, तो उन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं वो इतने बिजी हैं कि अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ही नहीं कराते. और बहुत सारी आजकल हेल्थ बिल्डअप के लिए, मसल बिल्डअप के लिए प्रोटीन्स और स्टीरॉयड्स लेते हैं. आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी सेलिब्रिटी, बट ये बहुत कॉमन है यंग लोगों में जो हेल्थ क्लब्स में और जिम्स में जाते हैं कि वो कई बार स्टेरॉइड्स लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि मेडिकली सर्टिफाइड नहीं होती हैं, जिससे कि उनके मसल बिल्डअप अच्छा हो जाए और जो कि उनकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मॉडलिंग के लिए या टिपिकल सिनेमा या बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, तो उन सब चीज़ों से नुकसान तो होते हैं. अब जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो कार्डियक अरेस्ट पहले आई थिंक थोड़ा सा अब 30-40s के बाद भी अब थोड़ा सा और भी नीचे आने लग गया है. अर्ली 20s में इवन आई हैव हर्ड दिस बॉय, ही वाज स्विमिंग 11 इयर्स ओल्ड एंड सडनली ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही डाइड. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड किड्स और यंगर चिल्ड्रन हैविंग द हार्ट अटैक्स? सो दिस इज नॉट अ हार्ट अटैक, ये कार्डियक अरेस्ट है जिसका कारण हमें नहीं पता. अगेन वो एज ए सिनोनिम यूज हो जाता है कि हार्ट अटैक है, कि कोई भी सडन डेथ हुई उसको हार्ट अटैक बोल दिया गया. वो कार्डियक अरेस्ट है, और कार्डियक अरेस्ट जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक से ही हो. जैसे मैंने आपको 3-4 डिजीज गिनाई, उनमें एक लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम नाम की भी डिजीज होती है बच्चों में, जो कि एग्जर्शन के दौरान उनको सडनली हार्ट का अरिदमिया होता है, रिदम डिसऑर्डर होती है, उससे डेथ हो जाती है कई बार. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपकी फैमिली में सडन डेथ है जिसका कि रीज़न नहीं पता, जिसको कि हम ऐसे ही हार्ट अटैक बोल देते हैं, तो एटलीस्ट उन फैमिलीज में जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पेशेंट जिसके बारे में हम बात करें कि जिसकी कि सडन डेथ हो गई या सडन डेथ सर्वाइवर रहा, उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, मीन्स उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे और उसके सिबलिंग्स, और पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स हैं, उन सबको जो है अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज ऐसी चल रही हो जिसके कारण की सडन कार्डियक डेथ होती है. हो सकता है फैमिली में फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया हुए, जिसमें कि लोगों का सारी फैमिली का ही कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण की सारे सब लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है. तो ये बहुत ज़रूरी है. फैमिलीज में एक और भी कल्चर है, कई लोग इसको बड़ा जनरल सा बोल देते हैं कि हार्ट अटैक तो हमारी फैमिली में चलता है, ब्लड प्रेशर तो हमारी फैमिली में चलता है. तो मैं उनको नॉर्मली यही कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर आपकी फैमिली में नहीं चलता है. आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर इसलिए है क्योंकि आपकी फैमिली में कोई नहीं चलता, क्योंकि सब लोग बैठे रहते हैं. तो वो एक रीज़न होता है बहुत बड़ा कि जिसके कारण कि आप देखोगे कि फैमिली में क्लस्टर्स ऑफ पेशेंट आपको मिलेंगे एक ही डिजीज के. तो वो रीज़न है, आप नॉर्मली आप देखते हो कि अगर एक बंदा ओबीस होता है तो नॉर्मली एक पूरी फैमिली ओबीस होती है, और जो लोग फिट होते हैं, माँ बाप फिट होते हैं, तो उनके बच्चे भी फिट होते हैं. सो दिस इज ए फैमिली का कल्चर रहता है, लेट सोने का, जल्दी उठने का, वॉक ना करने का, योगा ना करने का, फास्ट फूड खाने का. तो वो कल्चर्स को चेंज करना बहुत ज़रूरी. ठीक है सर, जो हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बात की है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक लोग सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, पर ये सिनोनिम्स होते नहीं. तो जनरली जब हम न्यूज चैनल्स देखते हैं और उसमें किसी की सडन डेथ होती है, तो बड़े इजीली पीपल कैन यूज कार्डियक अरेस्ट हो गया. बट आई थिंक पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स और दीज आर सिमिलर? नो, कार्डियक अरेस्ट का एक रीजन हार्ट अटैक है. आपको अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो हार्ट अटैक के 25% पेशेंट्स जिंदा हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचते. तो वो 25% पेशेंट्स को क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है. बाकी 25% हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं. तो जब हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं तो उनमें डेथ रेट बहुत कम होता है. उनमें बहुत कम है, लेकिन वो 25%, ये वेस्टर्न डेटा है, ये उन कंट्रीज का डेटा है जहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस बहुत अच्छी है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडियन रजिस्ट्रीज ये कहती हैं कि मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स इंडिया में, हार्ट अटैक के पेशेंट्स एम्बुलेंस में हॉस्पिटल नहीं आते.
और ये मेडिकल कॉलेजेस का डाटा है, उन सिटीज का डाटा है जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, वहाँ पे इवन 90% से ज़्यादा पेशेंट अपने व्हीकल से या किसी कैब से या ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो ये तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस का हाल है। तो वो उनका ये एक्स्ट्रा पोल्यूशन है कि इस हिसाब से तो उस रजिस्ट्री में ये लगता है कि शायद 60% पेशेंट्स हार्ट अटैक के जिंदा इंडिया में हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते। तो ये सारे कार्डियक अरेस्ट हैं, इनको भी सडन कोई सिम्टम्स हुए, सडनली उनकी डेथ होगी, वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। बट कार्डियक अरेस्ट का एक कारण है हार्ट अटैक, बाकी कारण है जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जैसे कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, स्ट्रोक अपने आप में सडन डेथ का कारण हो सकता है, एओर्टिक डिसेक्शन अपने आप में कारण हो सकता है। तो जब तक हम इन केसेस की इन डेप्थ इवेल्युएशन नहीं करेंगे, जो कि अपने यहाँ पर नहीं होती है इंडिया में, बिकॉज पोस्टमार्टम इज नॉट ए कल्चर, यहाँ पे फैमिलीज रिलक्टेंट रहती हैं, पोस्टमार्टम नहीं कराती हैं ऑफ अननोन रीजन ऑफ डेथ, कभी पोस्टमार्टम नहीं होता। बहुत सारी कंट्रीज में पोस्टमार्टम इज मैंडेटरी बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें इनके कॉजेज पता ही नहीं है, तो इनके लिए ब्लैंकेट टर्म हार्ट अटैक यूज करना शायद गलत है। किसी हद तक ठीक भी है कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो लोग हार्ट अटैक से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को तो अवेयर हो ही जाएंगे। So, जब हम बात करते हैं कि जेंडर की बात करते हैं हम, so, जब हम हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की बात करते हैं, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ जेंडर जो सबसे ज्यादा इन सारी डिजीजेस से इफेक्ट होता है, जैसे फीमेल्स मेल्स इसका रेशियो? मेल्स में हार्ट अटैक के रिस्क ज्यादा होते हैं, वो शुरू से ही पता है। फीमेल्स में हार्ट अटैक के रिस्क कम होते हैं, उसका रीजन ये बताया जाता है मेडिकल लिटरेचर में कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स का, दैट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। और ये देखा गया है कि फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद या जिन फीमेल्स का अर्ली मीनोपॉज हो जाता है या जिन फीमेल्स को हिस्टेरेक्टमी मींस यूट्रस रिमूवल की सर्जरी करवानी पड़ती है, तो उन पेशेंट उनमें जो है हार्ट अटैक के चांसेस आफ्टर वन डिकेड द इंसिडेंस इज सेम एज दैट ऑफ मेल्स। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होती है उनमें क्या क्या मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द साइंस वन कैन नोटिस बिफोर विजिटिंग अ डॉक्टर दैट नाउ इट्स अ हाई टाइम टू विजिट अ डॉक्टर एंड आई एम लाइक सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सबसे कॉमन सिम्टम जो कि मेजॉरिटी ऑफ बॉलीवुड मूवीज में और दिखाया जाता है कि लेफ्ट साइड पे हीरोइन के बाप ने हाथ रखा और छाती में दर्द होने लगा, वो वाला हार्ट अटैक बहुत रेयर होता है। नॉर्मली लोगों को एक चेस्ट में डिस्कम्फर्ट लगता है, उसके साथ पसीना आता है, उनको या तो बाजुओं में से किसी एक बाजू में पेन रेडिएट होती है या हैवीनेस लगती है। बहुत सारे लोगों को बैक में पेन जाती है, कुछ लोगों को गर्दन में और लोअर जॉ में भी पेन जाती है। बहुत कॉमनली होता है कई बार पेशेंट्स चलते हैं उनके लोअर जॉ में पेन होती है, वो डेंटिस्ट को ही दिखाते रहते हैं और डेंटिस्ट भी कई बार उनको बोल देते हैं कि भाई आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है और वो कोई पेन किलर ले लेते हैं और फिर भी वो सिम्टम्स ठीक नहीं होते और सडनली फिर एक दिन हार्ट अटैक हो जाता है। फिर जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हो तो पता चलता है कि इनको तो ऐसी वाली पेन धीरे धीरे बढ़ रही थी, मेट्रो स्टेशन पे चलते थे तो बढ़ती थी लेकिन उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने उनको गाइड ही नहीं करा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबसे पहले अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि चेस्ट में कोई हैवीनेस लग रही है या आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो रही है या आपको चलने पे सांस फूलना शुरू हो गया है या चलने पे चक्कर आने शुरू हो जाए तो ये सिम्टम्स हार्ट अटैक के हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट्स को अपर एब्डोमेन में पेन होती है, छाती के बिल्कुल सेंटर में नीचे पेट के अपर पार्ट में उसमें कोई जलन लगती है। तो अगर आपको चलने पे ऑन एक्सर्शन जलन लग रही है तो ये बहुत कॉमन चांसेस होते हैं कि ये हार्ट अटैक के कारण। पेशेंट्स को जब बोला जाता है कि आपके ये सिम्टम्स हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं तो उनको डर लगता है, अंदर से डिनाइल मोड में रहता है हर इंसान, नहीं मेरे को कैसे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं, आप मेरे को एसिडिटी की दवाई दे दो। क्योंकि दुनिया में कोई इंसान नहीं चाहता कि भगत सिंह उसके घर में पैदा हो, हर चाहता है दादू तो मिल जाए लेकिन भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो तो अपने लिए प्रॉब्लम नहीं, वो मानता कि मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वही एक रीजन है, बट अवेयर करना बहुत जरूरी है कि अगर आपको एग्जर्शन पे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम। जब हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स की, सो इफ समबडी हु इज हैविंग जेनेटिक हार्ट डिजीज इन द फैमिली रन करती है कि दादाजी को था तब पापा को हुआ, सो इज इट नेसेसरी या हाउ आर द हायर चांसेस ऑफ समबडी लाइक अ चाइल्ड इज गेटिंग द चांसेस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग देम द सेम यू नो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इफ इट्स रनिंग इन द फैमिली। I'm telling you, if disease is not running in the family, disease is in the family because nobody runs. So that is the reason in most of the cases. If you have any risk factors, suppose you have diabetes, suppose you have blood pressure, suppose you have heart problem in the family, and if you start doing proper exercise, you can curtail down your risk factors to large extent, and you can avoid diseases like this. So, अगर वैसे तो एक्सरसाइज सबको ही करनी है, वैसे तो हेल्दी खाना सबको ही खाना है, लेकिन अगर आपकी फैमिली में ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको जरूरी है कि आप जल्दी लाइफ में ही कॉशियस हो। सो सर, जब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की, सो पीपल आर होल्डिंग लॉट ऑफ मिथ्स अगेंस्ट इट कि शायद सिर्फ खराब खाने से और हेल्दी लाइफस्टाइल ना फॉलो करने से ही ये सब चीजें होती हैं। व्हाट आर द मिथ्स दैट यू वांट लाइक we can burst for the people that cardiovascular diseases have other reasons also. जो इंटर हार्ट स्टडी एक हुई थी जिसने कि फर्स्ट हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को ऑलमोस्ट 1 मिलियन पेशेंट्स को वो स्टडी करा था उस स्टडी और 53 कंट्रीज में हुई थी वो स्टडी। उस स्टडी में जो रिस्क फैक्टर्स आए थे उसमें रिस्क फैक्टर में डायबिटीज भी थी, उसमें ब्लड प्रेशर भी था, उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी था, फ्रूट्स ना खाना, फूड ना खाना वेस्टर्न वर्ल्ड में इट्स लाइक वेजिटेरियन फूड आपने खा रहे हो शायद, उसके लिए उन्होंने फ्रूट ना खाना, 5 small servings ऑफ फ्रूट अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी था, उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था साइकोसोशल स्ट्रेस, और साइकोसोशल स्ट्रेस के ऊपर उसका एक अलग से एक आर्टिकल था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि अगर आपका जॉब लॉस हो रहा है, आपको मैरिटल डिस्प्यूट है, आप डाइवोर्सी हो, तो ये सब चीज़ों में भी आपको उन्होंने साइकोसोशल स्ट्रेस में गिना था, तो वो उन सब लोगों में हार्ट अटैक के चांस था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिस्क फैक्टर्स, सिंगल रिस्क फैक्टर को आप पिन पॉइंट करके उसको बोलना थोड़ा गलत रहेगा, क्योंकि ये क्रिकेट मैच की तरह है, इसमें अकेले एक बंदे के सिर पे टीम मैच नहीं हारती, इसमें कभी कभी आपका बॉलर भी ठीक काम नहीं करता, थोड़ा बैट्समैन ने भी ठीक नहीं खेला, थोड़े फील्डर ने भी 2-4 जो हैं आपके कैचेस मिस कर दिए, कोई रन आउट की भी अच्छी नहीं हुई, और अगर ये आपने सारा कुछ ठीक कर लिया तो फिर जेनेटिक्स मतलब हम बाहर ही खराब खेल गया, तो वो भी एक रीजन है कि अगर ऊपर वाले ने ही आपको जीन्स खराब दिए हैं तो अंपायर ही खराब खेल गया, अंपायर नहीं बायस हो गया तो बट हाँ, अगर अंपायर बायस गया तो आप अच्छी गेम खेलोगे तो काफ़ी हद तक फिर भी चांस है कि आप मैच जीत सकते हो, लेकिन अगर आपका अंपायर भी खराब है और आप भी अच्छा नहीं खेल रहे हो फिर तो पक्का कि आप मैच हारे। तो सेम यही स्टोरी है इसमें भी कि आपके रिस्क फैक्टर्स तो आपने खराब कर लिए और जेनेटिक्स आपको खराब मिल गई तो फिर तो ऐसे की तैसे हो ही था। बट सर, जैसे कि किसी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है और somebody who's leading a pretty much healthy lifestyle, not going to the gym and steroids, but अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा होना, still अगर somebody still having the cardiac arrest or you know cardiovascular diseases, what can be the reasons behind it? Leading a healthy lifestyle and still having one. So, Inter Heart study ने यही बताया था कि 10% लोगों में आउट ऑफ दोज 1 मिलियन पेशेंट्स, 10% लोगों में उनको ये कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं मिला और पेशेंट्स को हार्ट अटैक। सो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें हार्ट अटैक हुआ तो कोई रिस्क फैक्टर है नहीं, इट मे बी कि मेडिकल साइंस को अभी उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता नहीं। आज से 2 डिकेड पहले तो इन 9 रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन अब इनके बारे में पता है, अब बाकी 10% बच गए हैं, विद टाइम वो भी शायद पता चल जाएंगे। आजकल हम लोग एक बहुत कॉमन टेस्ट कराते हैं, सीरम होमोसिस्टीन लेवल्स और लाइपोप्रोटीन लिटिल ए लेवल्स, जो कि आज से 1 डिकेड पहले कोई नहीं कराता था, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जिन फैमिलीज में
डिस्पाइट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल वापस बार बार हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, मल्टीपल लोगों को हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं या स्ट्रोक हो रहे हैं, ब्रेन के स्ट्रोक हो रहे हैं, उनमें देखा गया कि कई बार होमोसिस्टीन लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं या लाइकोप्रोटीन ए लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा। सो अगर हम बात करें कोविड की, सो पोस्ट कोविड लोगों का जो हार्ट अटैक का रेट है, मतलब एक्सेप्ट मीडिया कवरेज, जैसे कि हमने बात की पहले कि मीडिया कवरेज ज़्यादा है इसलिए हमें ज़्यादा पता लग रहा है, बट अगर मीडिया कवरेज की बात ना करें हम, तो पोस्ट कोविड लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स रेट आई थिंक इंक्रीज हो गए हैं। सो व्हाट कैन बी द कॉजेस बिहाइंड इट? हार्ट अटैक के कारण थोड़े से बढ़ तो गए हैं, क्योंकि मेरे को इस प्रोफेशन में ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए हैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि पिछले 4-5 सालों में अब विंटर्स और समर्स में हार्ट अटैक्स के नंबर्स में कोई फर्क नहीं रह गया हॉस्पिटल्स में। ये तो ज़रूर हुआ कि पहले हम लोग देखते थे कि मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक हार्ट अटैक्स नॉर्थ इंडिया में पेशेंट्स कम हो जाते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि थ्रू आउट ईयर हार्ट अटैक्स तो चलते ही हैं, उतने ही चलते हैं, सम विंटर्स में थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं। उसका रीज़न मे बी पोल्यूशन, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और कुछ मीडिया भी आपको अगर कोई हार्ट अटैक से बच जाएगा और वो हॉस्पिटल गया और वो बच गया तो ये न्यूज़ थोड़ी है, तो मीडिया उस न्यूज़ को क्यों कवर करेगा? तो कवर तो वही चीज करी जाएगी ना जो कोई इवेंट हो जाएगा, तो इवेंट्स को कवर कर दिया जाता है, तो इसलिए हो जाता है। सो सर, जब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की, तो इनके जो प्रिवेंशन है, एक हेल्दी पर्सन को भी, एक एल्डरली पर्सन को भी, और एक नॉर्मल मिडिल एज पर्सन को भी, और यंगर किड्स आल्सो, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स यू वुड सजेस्ट द व्यूअर्स दैट दे शुड टेक अप ऑन डेली लाइफ एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सो दैट इवन फ्रॉम person like a very young children to a very elderly person who have no genetic diseases, or if they have genetic problems in the family of cardiovascular diseases, can stay healthy throughout life without seeing a doctor on a daily basis? Isme the most important thing is ki pehle to healthy culture families mein hona bahut zaruri hai, jisme ki regular walk karna, subah uthna, yoga karna, अगर इतने सारे मीडिया चैनल्स रोज हार्ट अटैक की न्यूज़ दे रहे हैं, तो इतने सारे मीडिया चैनल्स सुबह सुबह योगा भी तो करा रहे हैं, वो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन न्यूज़ सब सुन रहे हैं, तो वो हमारा अपना ही सिलेक्शन बायस है कि हम सुबह उठ के जो इतने सारे मीडिया चैनल एरोबिक एक्सरसाइजेज और इतने सारी एक्सरसाइजेज करा रहे होते हैं, इतनी सारी हेल्थ टिप्स दे रहे होते हैं, वो कल्चर नहीं बन पाता, तो उस कारण फिर वो फैमिलीज में वो कल्चर हो जाता है कि एक्सरसाइज करनी नहीं है, चलना ही नहीं है, और खाना उल्टा सीधा खाना है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं करने हैं। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गए तो एक साल का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया तो अब हम अगले साल कराएंगे, जब आप अगले साल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराओगे तो पिछले साल की रिपोर्ट्स कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, कौन से ड्रॉअर में है पता नहीं, हमने घर चेंज कर लिया था वहीं रह गई, या फिर ये कॉमन होता है लोगों के साथ। तो अब मेरे को नहीं पता, मेरे पास एक इंसान सपोज ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट लेके आता है कि उसका बीपी किसी ने आज चेक कराया, आज उसका बीपी 128/80 है जो कि नॉर्मल है, और पिछले साल जब उसका बीपी चेक हुआ था तो 118/80 था, उससे पिछले साल शायद 110/80 था। तो अगर मैं तीनों सालों की रिपोर्ट को देखूं तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ओवर इयर्स बीपी प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, तो अब मैं क्या 140 की वेट करूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? नहीं ना, तो 128 पे ही मेरे को अभी से ही एक्शन ले लूंगा तो वो वापिस हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स को संभालते ही, तो फिर हम कंपेरिजन ही नहीं कर पाते। लिपिड प्रोफाइल है, पिछले साल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 200 था, आज 220 है, वो भी नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है, लेकिन इससे दो साल पहले हो सकता है 150 हो, और इतनी फास्ट बढ़ रहा है, तो फिर तो हमें एक्शन अभी लेना चाहिए। तो मेरा ये मैसेज है इम्पोर्टेंट कि आप प्रिवेंटिव चेकअप कराते हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन उसको संभाल के रखना, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना तो पुराने के साथ नए को कंपेयर करना वो बहुत ज़रूरी है,
और वो कंपैरिजन में ट्रेंड क्या आ रहा है हमारा वो पता करना बहुत जरूरी है। सिंपल एग्जांपल वेट ही ले लो, किसी का बॉडी मास इंडेक्स देखो, किसी का बॉडी मास इंडेक्स 22 चल रहा था, फिर 23 हो गया, फिर 24.5 हो गया, तो आई कैन टेल दैट पेशेंट कि आपका वेट बढ़ता जा रहा है। सो आप अभी से ही अपने करेक्टिव एक्शन लो, जरूरी थोड़ी कि हम 30 से ऊपर जाएंगे और 20 की कैटेगरी में और तभी एक्शन लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप घर खरीदते हो तो उसकी पूरी टाइटल देखते हो कि पहले किसके पास था, अब किसके पास है, अब किसके पास है, फिर उसको जनरेशन तक संभाल के रखते हो। पर अपने टाइटल के कागज आप अगले साल मंगा दो, मिलते नहीं है आपको, पूछो तो ड्रॉअर में पड़े थे, पता नहीं घर चेंज करा था वहां रह गए थे, मैंने तो टेस्ट कराए थे, मैंने कलेक्ट ही नहीं करी थी रिपोर्ट्स, तो ये सारा कुछ होता था। इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में रह जाता। Thank you so much, sir. I hope that cardiovascular diseases, which is a leading cause of deaths around the worldwide, and you know, a lot of myths which we had, symptoms which we didn't know, preventions which doctors have told us, will help our viewers to know and understand the cardiac arrest and the cardiovascular diseases even more. Thank you.